हे गाइस, दिस इज हर्ष एंड आप सभी लोगों का स्वागत है यार हमारी एक और नई और शानदार वीडियो में, जहां पर आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं टॉप 5 हाई ग्राफिक्स फुटबॉल गेम्स फॉर पीसी। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी गेम्स बताऊंगा भाई, उनकी जो ग्राफिक्स है बहुत ज्यादा हाई है, एंड उसके साथ साथ जो है बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलेंगी आप लोग को। एंड इन गेम्स को खेलने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी बताने वाला हूं। एंड उसके साथ साथ आप लोग को ये भी बताने वाला हूं भाई कि आप लोग के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो वो कौन सी 5 गेम्स है उनके बारे में जानने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा 5वें नंबर पे फुटबॉल गेम आता है वो है UFL और यूनाइटेड फुटबॉल लीग। ऑल दो इस गेम का सिर्फ अभी ट्रेलर आया है, बट ये गेम गाइस इसी साल रिलीज होने वाला है। तो अब आप लोग कहोगे भाई कि अभी जब ये गेम रिलीज ही नहीं हुआ तो इसको तू अपनी लिस्ट में क्यों शामिल कर रहा, बिकॉज गाइस मैंने इसका ट्रेलर देखा एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा मस्त लगा। मतलब इसका जो ट्रेलर है बहुत ज्यादा शानदार है, तो आप लोग को गेम भी बहुत ज्यादा शानदार मिलने वाला है। एंड इस गेम का ट्रेलर देखने के बाद यार मेरे को ना चाहते हुए भी अपनी लिस्ट में इस गेम को शामिल करना पड़ा। एंड आई प्रॉमिस गाइस, रिलीज होने के बाद जब आप लोग इस गेम को खेलोगे ना तो आप लोग को बहुत ही मजा आएगी, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूं। तो अब बात कर लेते भाई इस गेम को खेलने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आप लोग के पास। तो यहाँ पे बात करें यार OS की, तो जो आपका OS होना चाहिए वो यार विंडोज 64 बिट या फिर उसके बाद क्या, तो और अच्छी बात है। यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की, तो जो आपका प्रोसेसर होना चाहिए वो यार क्वाड कोर इंटेल या फिर यहाँ पे AMD प्रोसेसर भी आप यूज कर सकते हो, जो कि यार 3.0 GHz का होना चाहिए या फिर उससे फास्ट है, तो और अच्छी बात है। यहाँ पे बात करें यार मेमोरी की, तो आप लोग के पास 8GB रैम होनी चाहिए। एंड यहाँ पे यार आप लोग यूज कर सकते हो ग्राफिक कार्ड NVIDIA GeForce GTX 960 या फिर आप लोग यूज कर सकते हो यार AMD Radeon R9 280X सीरीज कार्ड, और अगर उससे ज्यादा का है तो और अच्छी बात है। डायरेक्ट एक्स की बात करें तो यार वो आप लोग का वर्जन 11 का होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग को जो है इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिना इंटरनेट के जो है आप लोग इस गेम को नहीं खेल पाओगे। एंड जो भी आप लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हो यार उसकी स्पीड काफी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी जो है आप लोग बिना किसी दिक्कत के बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छा खासा गेम प्ले एक्सपीरियंस ले पाओगे यहाँ पे। तो ये सब तो थी यार मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग वो सब चीजें यूज करते हो तो आप लोग को बहुत अच्छा खासा गेम प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे OS की बात करें तो यार आपका जो OS होना चाहिए वो यार विंडो 1064 बिट का होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा क्या, तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रोसेसर यहाँ पे आप लोग का क्वाड कोर इंटेल या फिर AMD प्रोसेसर भी आप यूज कर सकते हो, जो कि यार 3.4 GHz या फिर उससे फास्ट है, तो और अच्छी बात है। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग के पास 16GB रैम होनी चाहिए। एंड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आप लोग यूज कर सकते हो NVIDIA GeForce GTX 1070। एंड यहाँ पे आप लोग का जो डायरेक्ट एक्स होना चाहिए वो यार वर्जन 11 का होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग को मैंने पहले बताया था यार इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, जो कि यार बहुत ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद जो है आप लोग बड़े आसानी से इस गेम का मजा उठा पाओगे जब ये रिलीज हो जाएगा। तो अगर आप लोग के पास ये सब रिक्वायरमेंट है तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम को खेल सकते हो इसके रिलीज होने के बाद। तो आप लोग को इस गेम का ट्रेलर कैसा लगा यार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने लिस्ट में आगे की तरफ। यहाँ पे जो हमारा 4वें नंबर पे फुटबॉल गेम आता है वो है रॉकेट लीग, जो कि यार बिल्कुल ही अलग फुटबॉल गेम है, जहाँ पे आप लोग को फुटबॉल इंसानों के साथ नहीं बल्कि कार्स के साथ खेलना है। एंड वैसे ही आप लोग को पूरा फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, बस वहाँ पे इंसानों की जगह कार मौजूद होगी जिनके साथ आप लोग को फुटबॉल खेलना है। एंड बात करें भाई इस गेम की ग्राफिक्स की, भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा शानदार आप लोग को इस गेम की ग्राफिक्स मिलने वाली है। यहाँ पे आप लोग को ग्राफिक्स रिलेटेड यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे बात करें यार इस गेम को खेलने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे बात करें यार OS की, तो जो आपको OS होना चाहिए वो यार विंडोज 64 बिट या फिर उससे नया है, तो और अच्छी बात है यहाँ पे। और आप लोग को रिकमेंड भी करूँगा कि आप लोग यही वाला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। प्रोसेसर की बात करें यार, तो प्रोसेसर आप लोग का मिनिमम 2.5 GHz ड्यूल कोर होना चाहिए, बट मेरी मानो तो यार आप लोग के पास 3.0 प्लस GHz क्वाड कोर होना ही चाहिए। एंड यहाँ पे बात करें मेमोरी की, तो आप लोग के पास मिनिमम 4GB रैम है तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूंगा यार कि कम से कम आप लोगों के पास 8GB रैम तो होनी चाहिए। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यार आप लोग मिनिमम यूज कर सकते हो NVIDIA GeForce GTX 760 या फिर AMD Radeon R9 270X या फिर उससे बेटर है, तो और अच्छी बात है। बट जो मैं रिकमेंड करता हूँ यार वो होना चाहिए NVIDIA GeForce GTX 1060 या फिर AMD Radeon RX 470 या फिर उससे बेटर है, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। यहाँ पे डायरेक्ट एक्स जो है आप लोग का वो वर्जन 11 का होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग को इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। बात करें भाई स्टोरेज की, तो आप लोग के पास यहाँ पे 20GB स्टोरेज जो है अवेलेबल होनी चाहिए इस गेम को डाउनलोड करने के लिए, प्ले करने के लिए। एंड उसके साथ साथ जिसको यार गेम पैड के साथ गेम खेलना आता है वो लोग यहाँ पे गेम पैड का भी यूज कर सकते हैं, उन लोग को और भी अच्छा खासा यहाँ पे गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एंड ये गेम आप लोग को सारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल ही फ्री देखने को मिलेगा, बट ये अभी के टाइम पे यार स्टीम पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग के पास ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम को ट्राई कर सकते हो, खेल सकते हो, आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगी। बाकी हम लोग बढ़ते अपने लिस्ट में आगे की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे जो 23 नंबर पे फुटबॉल गेम आता है वो है फुटबॉल मैनेजर 2023। एंड ये गेम यार बिल्कुल ही अलग है, बिकॉज यहाँ पे जो आप लोग को फुटबॉल नहीं खेलना है, यहाँ पे जो आप लोग को टीम्स को मैनेज करना है। बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो भाई ये एक मैनेजमेंट गेम है, जहाँ पे आप लोग को काफी सारी चीजों को मैनेज करना है। इस गेम में आप लोग को 5 मोड देखने को मिल जाते हैं, तो जो लोग यार फुटबॉल खेलने से ज्यादा मैनेज कर लेते हैं अच्छे से, वो लोग जो है इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को यार काफी सारे क्लब्स मिल जाएंगे, तो आप लोग किसी को भी चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए जो है आप लोग टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लीग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एंड कुछ रैंडम प्लेयर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो उसमें। एंड धीरे धीरे जो है आप लोग इस गेम में अपना करियर बनाने लगोगे,
हुए। तो ये गेम यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। बट यार ट्राई करने से पहले यहाँ पे आप लोग को इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट जाननी जरूरी है। तो यहाँ पे बात करें यार इस गेम की रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे जो आप लोग का OS होना चाहिए वो यार विंडोज 7 से लेकर 11 तक कुछ भी हो, बट वो जो है 64 बिट का होना चाहिए। प्रोसेसर यहाँ पे आप लोग का इंटेल कोर 2 या फिर AMD एटलॉन 64X2। ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इंटेल GMA X4500 या फिर NVIDIA G4 9600 MGT या फिर AMD मोबिलिटी रेडॉन SD3650। यहाँ पे बात करें VRAM एंड DirectX की, तो यार वो आप लोग का वर्जन 11 का होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो आप लोग की मेमोरी होनी चाहिए वो यार 4GB RAM की होनी चाहिए। स्टोरेज की बात करें तो आप लोग के पास यहाँ पे 7GB खाली होनी चाहिए। तो बात करें इस गेम के प्राइस के बारे में, तो ये आप लोग को स्टीम पे 3199 का देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो डेफिनेट जो है आप लोग इस गेम के साथ जा सकते हो। अगर आप लोग को मैनेजमेंट गेम पसंद है, आप लोग को मैनेजमेंट गेम खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम को ट्राई कर सकते हैं, आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी आप हम लोग बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में आगे की तरफ। सो गाइस यहां पे जो हमारे दूसरे नंबर पे फुटबॉल गेम आता है वो है कोनामी ई फुटबॉल 23। एंड इस गेम के बारे में यार आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने पहले सुन भी रखा होगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है। अब बात करें यार इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में, तो यार इस गेम की जो ग्राफिक्स ना आप लोग को बहुत ही ज्यादा शानदार मिलने वाली, मतलब इतनी ज्यादा शानदार मिलने वाली ना, इतना फाड़ू मिलने वाली है कि मैं क्या ही बताऊं यार। यहाँ पे अगर बात करें प्लेयर्स की, ग्राउंड की, एंड इवन यहाँ पे अगर हम लोग ऑडियंस की बात करें, इतना रियलिस्टिक दिखती है ना कि मतलब मैं आप लोग को क्या ही बताऊं यार। मेरे पास शब्द नहीं थे इस गेम की तारीफ करने के लिए। जब इसको खेलोगे ना तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। एंड इस गेम में भी यार आप लोग को काफी सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग काफी सारे लीग्स टूर्नामेंट, एंड यहाँ पे आप इवन वर्ल्ड कप भी खेल सकते हो। एंड उसके साथ साथ जो है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऑनलाइन खेल सकते हो, एंड उसके साथ खेलने में आप लोग को और भी ज्यादा मजा आने वाली है। एंड ये गेम गाइस आप लोग को और भी बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बात करें इस गेम के मिनिमम रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे जो आप लोग का OS होना चाहिए वो यार विंडोज 10 64 बिट का होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i5 2300 या फिर MDFX 4350 होना चाहिए। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग के पास 8GB RAM होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हो GeForce GTX 660 Ti या फिर आप लोग यूज कर सकते हो यार रेडॉन SD7790। एंड यहाँ पे जो है आप लोग को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। बात करें आप स्टोरेज की, तो यहाँ पे आप लोग के पास जो है 50GB स्टोरेज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये तो थी यार गाइस इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट। बट जो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग वो चीजें ले लेते हो तो आप लोग को और भी अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे यार हर एक चीज सेम है, बट यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर है वो यार यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इंटेल कोर i5 7600 या फिर MD Ryzen 5 1600 यूज कर सकते हो। एंड ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आप यूज कर सकते हो GeForce GTX 1060 या फिर MD Radeon RX 590। तो आप लोग अगर ये दोनों चीजों को चेंज कर सकते हो तो आप लोग को और भी अच्छा खासा गेम प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये गेम गाइस फ्री टू प्ले है, मतलब आप लोग को इस स्टीम पे बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग के पास ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम के साथ जा सकते हो, आप लोग इसको खेलना यार, आप लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाली है। बाकी यार हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में आगे की तरफ। सो गाइस यहाँ पे जो नंबर वन फुटबॉल गेम आता है वो है FIFA 23। एंड इस गेम के भी बारे में आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है। एंड यार ये अभी के टाइम पे बात करें PC पे या कंसोल पे ना, तो सबसे बेस्ट फुटबॉल गेम है। इससे अच्छा फुटबॉल गेम अभी तक नहीं आया। अगर हम अभी की बात करें तो इससे अच्छा फुटबॉल गेम आप लोग को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, बात करें PC या कंसोल्स पे। एंड बात करें इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में यार, तो इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो आप लोग को बहुत ही ज्यादा शानदार मिलने वाली, फिर वो चाहे प्लेयर्स हो, ग्राउंड हो, एंड इवन यहाँ पे अगर आप ऑडियंस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा भाई रियलिस्टिक देखने को मिलेंगी। एंड ये गेम यार आप लोग को काफी सारे फीचर्स, बहुत सारे मोड्स प्रोवाइड करता है, जिनको खेलने के बाद यार आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। एंड बहुत ज़्यादा शानदार है ये गेम, जब आप इसको खेलोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। बट ये गेम यार सिर्फ कुछ ही लोग के लिए जिनके पास बहुत ही अच्छा खासा PC है, बिकॉज इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पे बात करें इस गेम के मिनिमम रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे जो आप लोग का OS होना चाहिए वो यार विंडो 10 64 बिट का। प्रोसेसर की बात करें तो यार MD Ryzen 1600 या फिर इंटेल कोर i5 6600K होना चाहिए। मेमोरी की बात करें तो यार 8GB होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो MD Radeon RX 520 या फिर आप लोग यूज कर सकते हो NVIDIA G4 GTX 1050 Ti। डायरेक्ट एक्स की बात करें तो वो आप लोग के पास 12 कंपेटिबल वीडियो कार्ड होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है आप लोग को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, वरना जो है आप लोग को काफी सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, मतलब 512 KBPS से ज्यादा स्पीड आनी चाहिए वहाँ पे। बात करें हार्ड ड्राइव स्पेस की, तो यहाँ पे आप लोग के पास 100GB की हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। तो ये तो थी यार इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट। बट जो यहाँ पे आप लोग को रिकमेंड करने वाला हूँ, अगर वो सब चीजें आप लोग के पास, तो और भी अच्छा खासा गेम प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। बात करें OS की, तो आप लोग का जो OS होना चाहिए वो यार विंडो 10 64 बिट का होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो यार MD Ryzen 2700X या फिर आप लोग यूज कर सकते हो इंटेल कोर i7 6700। एंड मेमोरी की बात करें तो आप लोग के पास 12GB होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो MD Ryzen RX 5600 XT या फिर आप यूज कर सकते हो NVIDIA G4
GTX 1660। एंड यहाँ पे बात किया DirectX की, तो यहाँ पे आप लोग के पास 12 कंपेटेबल वीडियो कार्ड होना चाहिए। एंड मैंने आप लोग को जैसा कि पहले बताया था यार, आप लोग को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी यार, जो कि यार बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी जो है आप लोग को अच्छा खासा गेम प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। एंड यहाँ पे जो है आप लोग की हार्ड ड्राइव पे 100 GB की स्पेस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। एंड ये गेम गाइस आप लोग को स्टीम पे 3,419 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा, बट अगर यहाँ पे आप लोग इसका अल्टीमेट एडिशन परचेज करते हो तो आप लोग को पे करना पड़ेगा यार 4,799 रुपीज़। तो अगर आप लोग के पास ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आप लोग डेफिनेटली इस गेम को ट्राई कर सकते हो, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगी इस गेम को खेलने में। तो ये थे यार हमारी आज की वीडियो के टॉप 5 फुटबॉल गेम्स फॉर पीसी। तो यार आप लोग को कैसे लगे गेम्स मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप लोग कौन सा गेम जाके ट्राई करने वाले वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यार ये वीडियो आप लोग को कैसे लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।